हाय हाय गुड गुड आफ्टरनून कैसे हो हेलो सर गुड आफ्टरनून मैं बढ़िया आप कैसे ट्रेनिंग कैसी चल रही है मैं भी ठीक हूँ बहुत अच्छा हूँ आप बताओ ट्रेनिंग sir, कैसी ट्रेनिंग चल ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है प्रैक्टिस हो रही है यस सर अच्छा प्रैक्टिस में कोई कमी नो no, सर अच्छा 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 आदसा आप ये बताइए आपने मेरे साथ ट्रेनिंग किया ठीक है इस ट्रेनिंग में आपको कैसा लगा ट्रेनिंग मतलब कैसा फील हुआ ट्रेनिंग अच्छी थी या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को चेंज करनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे साथ तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम भी हो गई थी मेरे एग्जाम पड़ गए थे तो आपने मुझे दोबारा क्लासेस प्रोवाइड की तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वो चीज क्योंकि मैं अगर शायद अदर जगह से क्लासेस लेती तो ये पॉसिबल नहीं होता तो मुझे मेरा काफी लॉस होता

आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इश्यूज आते हैं तो वो इश्यूज की कैसा हेल्प मिला मतलब मेरे तरफ से पूरा हेल्प मिला या फिर यस सर सर हंड्रेड परसेंट पूरा हेल्प मिला मैंने जब भी आपको टेक्स्ट किया आपने हर दो तीन मिनट में अगर आप ऑफिस में भी होते हैं तो तुरंत रिप्लाई करते हैं कि मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ आपने तुरंत एक तो एस में क्या है ना हर सेकंड चीज में एरर आ जाता है

तो बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं अगर हम लोग बोलते हैं कि सर अभी हिंदी में कर दीजिए समझाने को तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज रहती है आपकी एक तो वो कंफर्टेबल रहता है ऊपर से सर टाइमिंग का रहता है कई बच्चे होते हैं जो वर्किंग होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप क्लास भी शिफ्ट कर देते हो सबका सुन के कि हाँ जब सब अवेलेबल है उस टाइमिंग पे आप एडजस्ट कर देते हो और सेकेंडली ये सबसे अच्छी चीज है कि आप क्लास होने के बाद सबका फीडबैक लेते हो कि आपको क्या समझ में आया नहीं आया अगर नहीं आया तो आप उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए भी रेडी रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहो कि आप वो उन बंदों को या फिर जो एक अच्छा ट्रेनर खोज रहे हैं या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट जो ऐसे करना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा तो आपके तरफ से क्या रहेगा कि मतलब सर yeah. मैं तो सबको बस एक यही एडवाइस दूंगी और इवन सजेशन दूंगी कि आप ही से ट्रेनिंग ले क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट का क्या रहता है जब फीस मैंने भी एक जगह अप्लाई किया था बट नहीं किया मुझे भी आपका सजेशन से थ्रू ही पता चला उनका रहता है मेन मोटिव फीस आने तक बस फीस आने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है वो इतना नहीं ध्यान देते आप इंटरव्यू के बाद भी इवन जॉब ड्यूरिंग जॉब प्रोसेस में भी अगर कोई एरर आ रहा है हम लोग के लिए क्योंकि आपको तो तो इतने ईयर का एक्सपीरियंस है और हम लोग एज अ फ्रेशर ही जाएंगे तो कोई एरर आता है जो हम लोगों को नई समझ में आता है आप तब भी सपोर्ट करते हो ये नहीं है कि हम लोग की ट्रेनिंग खत्म तो आपका मतलब मतलब खत्म वैसा नहीं है आपका तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी सबको कि आप भी से ट्रेनिंग करें इवन मेरे जो फ्रेंड्स है उनको भी अगर किसी को क्लासेस करनी होगी तो मैं यही बोलूंगी कि आप भी से ले चलो बहुत अच्छा है

ट्रेनिंग तो कर लेते हैं बट ये नहीं पता होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या जवाब देना रहेगा तो आप दोनों चीजें प्रोवाइड कराते हो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक इंटरव्यू का वर्कशॉप रखा था फिर से भी मैं वर्कशॉप और रखने जा रहा हूँ जिसमें ये होगा कि सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ठीक है क्योंकि वो बैच वाइज बैच वाइज चलता है एक बार का ये क्लास नहीं है कई बार लेने पड़ते हैं नए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कुछ पुराने होते हैं मेरे साथ तो ये है कि पुराना बंदा भी अगर कहता है कि मेरे को भी लेना है कोई बात नहीं आ जाओ तुम भी आ जाओ अगर उसने दो बार तीन ट्रेनिंग ले चुकी है या वर्कशॉप ले चुका है कोई बात नहीं सब आ जाओ वेलकम है सब आओ सब सीखो ठीक है और जो इंटरव्यू के जो वर्कशॉप होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल और हमारे तरफ से कोई चार्जेस नहीं है उसमें स्पेशली क्या होगा कि इंटरव्यू से रिलेटेड सारी थिंग्स होंगी कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका आपको आंसर कैसे करना है और साथ ही साथ आपके रिज्यूम राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए क्योंकि साइट से अगर आप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं आपको SAP से रिलेटेड कैसा होना चाहिए कैसा रिज्यूम बनना चाहिए कौन कौन सा आपके कीज होने चाहिए ठीक है क्या क्या आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या नहीं एटलीस्ट मैं इतना तो आपको बता ही सकता हूँ अपने सर, फील्ड तो एक वर्कशॉप ऑलरेडी पहले हो चुका है और फिर से मैं अभी ये रखने जा रहा हूँ क्योंकि हर डूरिंग कुछ समय पे मेरे को रखना है ठीक है तो बस यही है मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग सक्सेस हो तो ठीक है आस्था बहुत अच्छा लगा ठीक है थैंक यू सर आपका बहुत uh, बहुत मतलब बड़ा गाइडेंस रहा है हम लोग के लिए जो बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोग को इस फील्ड में बिल्कुल चलो फिर ठीक है ना ओके 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 बाकी जो क्लासेस होगी तो आप उसमें कलेक्ट करना ठीक है चलो okay, फिर